बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति अभियान 3.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण सुरक्षा देने और उन्हें आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता हिरवार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया, जिसके बाद महिला कल्याण विभाग की संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंची करीब 30 पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को अपना प्रार्थना पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की, जिनमें यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा, लैंगिक असमानता, शौचालय, आवास, कोविड-19 और दहेज के मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने पीड़ितों की समस्याओं का कार्यक्रम में मौजूद संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं और बेटियों को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, बेटियों को समाज में अपनी प्रतिभागिता बढ़ चढ़कर तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति 3.0 से जागरूक होकर ग्रामीण महिलाएं अपनी बात उजागर करने लगी हैं और आज के दौर में महिलाओं को हर क्षेत्र में अपने हक की बात करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ सीडीओ चंद्र मोहन गर्ग, एसपी एमपी सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता हिरवार समेत डीआईओएस सुभाष चंद्र मौर्य, जिला बाल संरक्षण इकाई स्टाफ के अलावा स्वैच्छिक संगठन और कॉलेज छात्राओं समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। कि महिलाओं ने कितने मुखर होकर के अपनी बात रखी, अपनी शिकायतों को रखा और जो मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि शक्ति का संचार सभी महिलाओं में हो, फिर चाहे वो कार्यों में हो, चाहे अपनी आवाज़ उठाने में हो, उसी का आज एक महत्वपूर्ण संदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है कि महिलाएं जब बोलेंगी तभी वो सफलता की ओर बढ़ेंगी। और इसी का प्रभाव था कि आज यहाँ पर लगभग 40 महिलाएं अपनी समस्या मुखर होकर के रखी हैं, अपनी बातों की अभिव्यक्ति दी है। और मिशन शक्ति में हक की बात जिलाधिकारी के साथ आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है और महिलाओं की समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। यहाँ पर बहुत सी महिलाओं और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सामने आई है, समस्याएं सामने आई हैं और हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने उनकी समस्याओं को नोट किया है और उसका निस्तारण हम लोग प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और हमारा लक्ष्य भी रहेगा कि हम गुणवत्तापूर्वक इन शिकायतों का निस्तारण करें, जिससे कि इस फोरम की जो शुचिता है वो बनी है।